We are representing here more than 1,000 pickers from all over the India, and you can see here the all the states are given here. So there are a lot of varieties of different pickers. If I am from Madhya Pradesh, then if I want to buy a particular picker like amla picker, then I can go here, and there are contact details has given here, like so you can contact on the same number. Again, blending all these agricultural byproducts. Like 1 to 2% of these agricultural byproducts we are mixing with this tapioca starch, and we are making this, and it has some of the antioxidant properties. इसमें ठंडा और गर्म पानी को 20 मिनट तक इसमें रखते हैं. So after 20 minutes it starts to become flexible. यदि कोई चाहता है इस schemes का advantage लेना तो easily ले सकता है. कि suppose project cost 10 लाख रुपीज है तो उसका 35% जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस बाइट्स. आज फिर आ चुकी हूँ वर्ल्ड फूड एक्सपो में, जो कि लगा हुआ प्रगति मैदान में. ये आज सेकेंड डे है, और मैं आज जिस पोर्शन को कवर करने वाली हूँ वो है हॉल नंबर 14 में. यहाँ देखते हैं क्या क्या है, और आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए. अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर आप इससे रिलेटेड बिजनेस पहले से ही कर रहे हैं और अपने बिजनेस को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है. वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए. निफ्टेम ने शोकेस किए हुए हैं अपने फूड प्रोडक्ट्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे कि 100% बायो बेस्ड फ्लेक्सीबल पैकेजिंग, मिलेट प्रोडक्ट्स लाइक मिलेट पंजीरी और स्मूदी काफ़ी पसंद की जा रही है. यहाँ पर आपको 1000 प्लस अचार की वैरायटी मिल जाएगी. जो बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजी को जान पाएंगे और अपना बिजनेस बढ़ा पाएंगे. हेलो सर. हेलो मैम. सर, सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए. हेलो, आई एम आशीष कुमार. आई एम जस्ट परस्यूइंग माय एमटेक इन फूड टेक्नोलॉजी फ्रॉम निफ्टेम कुंडली. ये एक हाइब्रिड ड्रायर है, IoT बेस्ड हाइब्रिड ड्रायर. इसमें हमने दो प्रिंसिपल्स यूज किए हैं टू सेपरेट इट फ्रॉम अ नॉर्मल ड्रायर. सो हियर इनसाइड वी यूज टू टाइप्स फूड फ्रॉम द बॉटम साइड ऑफ द फूड एंड अपर साइड ऑफ द फूड. अपर साइड ऑफ द फूड हमने दो IR सिस्टम्स लगाए हुए हैं. यहाँ IR सिस्टम जो जिसके IR वेव्स के थ्रू हीट होते हैं फ्रॉम द अपर साइड. फ्रॉम द बॉटम साइड वी यूज जस्ट द कंडक्शन कन्वेक्शन प्रोसेस कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिव विंडो ड्राइंग. हियर वी यूज द थिन फिल्म ऑफ अ माइलर हैविंग द 200 मिलीमीटर ऑफ द थिकनेस. जब ये पानी गर्म हो जाता है इसके नीचे कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू, देन द फ्लूइड टचेस द माइलर फिल्म. हियर देयर इज अ प्रोसेस गोइंग ऑन कन्वेक्शंस. फ्रॉम दैट द फूड इज जस्ट हीटिंग फ्रॉम बॉटम साइड बाय द कन्वेक्शन एंड अपर साइड फ्रॉम द IRs. एंड द होल एनर्जी कंजप्शन एंड द टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम वी जस्ट मॉनिटर इट फ्रॉम IoT बेस्ड सिस्टम. अवर वी हैव इंस्टॉल द IoTs हियर. वी जस्ट इंस्टॉल द IoT इनसाइड देयर. वी कैन जस्ट मॉनिटर द फूड प्रोडक्ट्स इनसाइड अवर मशीन्स and control the temperature according to them. तो सर, ड्राई होने में कितना टाइम पीरियड लगता है? ड्राई होने में जैसे कि हमने यहाँ पल्प यूज किया है पपाया पल्प, इसकी टाइमिंग होती है 4 to 5 hours. 4 to 5 hours में ये पपाया लेदर बना सकता है. Okay. Like this. तो डिपेंड करता है कि इसमें कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या मतलब कुछ भी वेजीज कर सकते हैं, कुछ भी फ्रूट्स. ये दरअसल ये इस ड्रायर पे हम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ही यूज कर सकते हैं फॉर ड्राइंग पर्पस. और थिकनेस कितनी होनी चाहिए इसकी? मैम, इसकी थिकनेस ड्राइंग के बाद इसकी थिकनेस हम अपने से डिफाइन कर सकते हैं. जैसे हमने इसकी थिकनेस 5 mm तक की रखी है, हमने इसको 5 mm तक की ड्राई किया हुआ है. आप चाहें तो इससे ऊपर भी जा सकते हैं टेम्परेचर राइज करके, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम न्यूट्रिशन लॉस भी ज़्यादा होती है. अगर आप ड्राई ज़्यादा करेंगे उसको और थिन करते जाएंगे तो न्यूट्रिशन लॉस ज़्यादा होती है. तो सर, जैसे हमने इसको ड्रायर मोड पर रखा, और कैसे पता चलेगा कि हाँ ये ड्रायर हो चुका है? एक्सेस में भी तो हो सकता है ड्रायर. वी कैन सी इट फ्रॉम द कैमरा मॉनिटर सिस्टम इंस्टॉल हियर. तो नेट उसमें पोर्शन में कैमरा लगे हुए हैं जो? यस मैम, वी हैव इंस्टॉल द कैमरा इनसाइड हियर टू मॉनिटर द होल सिस्टम. दिस साइड मैम, हियर यू कैन सी द कैमरा हियर एंड हियर आर द पैरामीटर कंट्रोल्स सर, देयर टेंपरेचर सेंसर्स. क्योंकि ये है कि पूरा एक बॉक्स टाइप में बन जाएगा. Yes, कवर हो जाएगा. यस मैम. तो कैसे पता चलेगा? मैम, वी कैन कंट्रोल इट फ्रॉम द मॉनिटर हियर.
You can see that here it is the, for the camera purpose. When we go for another thing, here is the IR-based assisted. You can on off the whole system, and here is the exhaust fan. You can control temperature here. You can see the running temperature here and humidity and moisture content here. And for the energy consumption, you can also just get it from the energy consumption from the whole day. When you're running in the whole day, you can get the whole energy consumption. Thank you, sir. Thank you, ma'am. This is a cold extrusion machine, ma'am, to make pasta. So for this, actually, cold extrusion means without any heat, we are producing this pasta. Simply, we add the flour and our value-added addition products, which is our moringa powder. So this is our moringa pasta. So when we add in this chamber here, the mixing happens. And once the mixing is done, it is extruded out of this die. So we can change the die for specific shapes if we want. So these are the different shapes of pastas we have prepared. These are millet based pastas, black rice based pasta, red rice based pasta. So accordingly, we have, according to the die, we can change the shape and prepare it. Thank you. Hello, ma'am. Hi. Ma'am, sabse pehle apna basic introduction de dijiye. Yes. My name is Khushbu. I am from Ministry of Food Processing Industries and representing here as a young professional in technical. So we are representing here more than 1,000 pickers from all over the India. And you can see here the all the states are given here. So there are a lot of varieties of different pickers, and there are a lot of non-veg and vegetarian. Both the varieties are here. Okay. So if you want to click off any states, like we are clicking on Rajasthan. So it will show here that all the enterprises pickles are here. Like we can amla pickles, amla murabba, amla pickles. There are a lot of varieties. So you can scroll here. उसके साथ में आपको yes. company name भी mention हो जाएगा. Yes. And if हम यदि बात करें राजस्थान की तो so ma'am please come here. So here it is showing that this is a Rajasthan pickles. So just we have clicked there and they are displaying all the pickles of like Shriji Achars of Hari Mirch, okay, Ishri Natia. So they are different enterprises and different varieties, okay. And if you want to contact details of that person, then you can see here, like if we click on this, then here name of the enterprises, contact numbers, email IDs, MRPs, and how much quantities they are display there, okay. You can take the picture of this scanner, and if you want to buy or order that product, particular product, so you can easily go there and not. Remember, so, and other states की variety इतनी है कश्मीर से कन्याकुमारी तक yes. पूरा आपने display किया हुआ है. Right. So this is a new concept. Okay. So basically ये जो PMFMA schemes है उसके under में ये pavilion जो है वो Ministry of Food Processing Industry का है. उसकी एक स्कीम है PMFME, प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन फॉर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस. ओके, सो उसके अंडर में 1,000 से ज्यादा जो वैरायटीज है वो डिस्प्ले की गई है. सो अदर स्टेट्स आर आल्सो हियर. ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स आर कमिंग एंड दे बिलोंग्स टू देयर पर्टिकुलर स्टेट, सो दे आर शोइंग इंटरेस्ट. ओके, सो यू कैन इजीली आस्क इफ यू वॉन्ट टू सी अदर वैरायटीज. आई कैन शो यू like Goa, Gujarat, Haryana, Ladakh, and Delhi, Chandigarh, Bihar. Okay, here are some pickles from non-vegetarian varieties like smoked chicken pickles and other green chilies pickles, garlic and other. There are lots of varieties you can see. So are you see तो मैम ये पिकल्स अगर किसी को नीड होगी तो किस तरीके से इफ आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश देन इफ आई वांट टू बाय अ पर्टिकुलर पिकल लाइक आमला पिकल देन आई कैन गो हियर एंड देयर आर कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैव गिवन हियर लाइक सो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द सेम नंबर. मैम ये फैसिलिटी सिर्फ एक्सपो में है और एक्सपो के अलावा अगर एक्सपो के अलावा like you can click this scan code and after some time you can scan this code from your phone and link mein aap click karke aap easily order kar sakte hain. Okay, yes, thank you. Yeah,
यदि कोई चाहता है इस स्कीम्स का एडवांटेज लेना तो इजीली ले सकता है। इसमें ये होता है कि कुछ जैसे कि सपोज प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख रुपीज है तो उसका 35% जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। यस, तो वो एक अच्छा एक बोलते ना पिकअप मिल जाता है, पॉपअप मिल जाता है किसी को भी एक बिजनेस ओपन करने के लिए। एंड ये इवेंट ईयरली बेसिस पे होते रहता है और भी जितना भी टेक्निकल सपोर्ट हो, जितना भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट हो, वो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती रहती है। और वैसे भी अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड तो आपकी वेबसाइट पे जाकर देखिए। या श्योर, यू कैन कॉन्टेक्ट, कुछ जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होते हैं स्पेसिफिक वो वहाँ पे शोन है, यू कैन कॉन्टेक्ट विद द मैम। हेलो सर। हेलो सर, सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैम, मेरा नाम आशीष माहेश्वरी है एंड मैं इस कंपनी में ट्रेनी इंटर्न के तौर पर हूँ। बेसिकली हमने एक रिफर मॉडल कंटेनर बनाया है, रिफर कंटेनर यूनिट, ये हाइब्रिड मॉडल है इंटेलिजेंस यूनिट पे। बेसिकली ये एक फंक्शन है जो डीजल जनरेटर ऑपरेटेड है, डीजल जनरेटर ऑपरेटेड सेल्फ ड्राइव यूनिट। अभी बेसिकली एक स्टैंड बाय मोड पे जो एसी की पावर से ये ऑपरेटेड हो रहा है। हम सोलर पैनल से इसे असिस्ट कर सकते हैं, ये एज अ बैकअप ऑप्शन है हमारे लिए। IoT रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड है, क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज, बेसिकली एक पोर्टेबल सिस्टम है मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका स्पेसिफिकेशन बताइए, क्या वर्क प्रोसेस है इसका? ये वर्क प्रोसेस है, ये रेफ्रिजरेटेड कोल्ड फ्रोजन यूनिट्स जो हमारे जो एग्स चॉकलेट्स मिल्क ये हैं ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम ले जाते हैं। ये बेसिकली कोल्ड चेन सप्लाई सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। okay. इसके अंदर हमने मल्टीपल यूनिट्स बनाए हुए हैं टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। जैसे हम यहाँ पर -degree में यूज़ करते हैं, ये है +degree में, ये वेजिटेबल्स के लिए और ये फ्रोजन फूड्स लाइक आपको मिल्क हो गया। तो टेम्परेचर सेट करने के लिए, टेम्परेचर सेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर AC यूनिट्स हैं। ये हमारी कैरियर की यूनिट है AC, ये टेम्परेचर सेट करती है। इसमें एक मॉडल और आता है थर्मो किंग, अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिकेशन कस्टमर रिक्वायरमेंट वी हैव टू दैट। यहाँ पे हमने कुछ सेंसर्स लगाए हुए हैं जो मॉनिटरिंग करते हैं, ये आपके टेम्परेचर बताते हैं। इसमें टेम्परेचर, ये वाला जो सेगमेंट है फर्स्ट, ये आपको 10 डिग्री अभी दिखा रहा है, बेसिकली माइनस में रहता है। ये अदर सेगमेंट है जो ये 12 डिग्री में दिखाता है। और बाकी अदर स्पेसिफिकेशन जिसमें ये इथाइलिन गैस को बताता है और CO2 को बताता है, सेम है इसमें, नेक्स्ट साइड भी यही है। सर, इसमें दो पार्टीशन है? यस, देयर आर टू पार्टीशन। ओके, तो सर ये कोल्ड चेन्स लॉजिस्टिक के लिए है, तो इसका डाटा अगर करना हो तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर है? ये IoT बेस्ड कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ से हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं बैठे बैठे। यहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर क्या है जब हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वी कैन सी दैट द टेम्परेचर कि अंदर क्या मेंटेन हो रखा है टेम्परेचर हमारा। ये जैसे ये फर्स्ट पोर्टेबल सिस्टम हमारा है, मतलब ऑनर अपने ऑफिस में बैठा हुआ सारा चेक कर सकते हैं। मॉनिटरिंग कर सकते हैं IoT के थ्रू, क्लाउड बेस्ड कंप्यूटर है, हम ऑफिस में बैठे बैठे अपने मॉनिटर के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम मेंटेन है या नहीं है, कोई स्टोरेज प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही, कोई राइटिंग तो नहीं हो रही है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि GPRS के थ्रू तो ट्रैक हो सकता है, बाकी जो ये वाला है ये न्यू कॉन्सेप्ट है। यस मैम, ये न्यू कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। इसके लिए निफ्टम और VRDSL फ्रॉम कंपनी प्रोवाइड दैट, निफ्टम वी प्रोवाइड द टेक्नोलॉजी सेक्टर एंड वी आर फ्रॉम फैब्रिकेटेड यूनिट बेसिकली, सो वी हैव टू फैब्रिकेट दैट। थैंक यू सर। ये मशीन तो बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल बनाने के लिए है, इसे हम कप्स ऐसे बना सकते हैं। इस टैपियोका मींस इट्स जस्ट अ ट्यूबर लाइक आलू, लाइक पोटैटो, इट्स एन वेजिटेबल। ओके, सो वी आर अगेन ब्लेंडिंग ऑल दिस एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट्स, लाइक 1-2% ऑफ दिस एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट्स वी आर मिक्सिंग विद दिस टैपियोका स्टार्च एंड वी आर मेकिंग दिस एंड इट हैज सम ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, सो इट विल इंक्रीज द अरोमा एंड फ्लेवर ऑफ द packaging the food it is being stored in this material, and also it will prevent from getting dehydrated by the insects or germs if you use this turmeric and all those materials. So we have different dyes you can see here, ma'am. Sir, isko dispose karna easy hai? Oh, ye to bilkul biodegradable hai, ma'am.
Hello ma'am. Hello ma'am. I am Shweta, PhD scholar from Riptam Kunji. We made packaging, biodegradable packaging film from vegetable and fruit peel. First, the advantage of this biodegradable packaging film, like moisture free, और ये eco friendly है, और ये इसकी strength भी बहुत अच्छी है. So this is a biodegradable packaging film. जैसे मैम पॉलीथीन होता है वो इको फ्रेंडली नहीं होता, बायोडिग्रेडेबल भी होता है, उसको टाइम इसको ये बायोडिग्रेडेबल है और इको फ्रेंडली है, कुछ टाइम के बाद ये एनवायरनमेंट में डिस्पोज होता है. थैंक यू. हेलो सर. नमस्कार. सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए. एब्सोल्युटली. नमस्कार. मैं डॉक्टर ओंकार अविनाश बाबर. आई एम अ सेंट्रल मैनेजर एट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर फूड फोर्टिफिकेशन. सो हियर इन एट सेफ वी एक्चुअली प्रोड्यूस फोर्टिफाइड स्टेपल फूड्स, फोर्टिफाइड व्हीट फ्लार, फोर्टिफाइड एडिबल ऑयल एंड फोर्टिफाइड राइस कर्नल. अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो आर प्रिपेयरिंग फोर्टिफाइड पल्स कर्नल. साइमल्टेनियसली वी आर प्रिपेयरिंग नंबर ऑफ ह्यूज रेंज ऑफ मिलेट प्रोडक्ट्स, वेर इन एक्चुअली वी आर प्रोड्यूसिंग मिलेट बेस्ड पॉप्स, मिलेट बेस्ड कुरकुरे, मिलेट बेस्ड बिस्किट, मिलेट बेस्ड नान खटाई, नमकीन. वी आर लोकेटेड एट निफ्टम एंड निफ्टम इज लोकेटेड इन कुंडली विलेज ऑफ सोनीपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा. सो वी आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट. वी आर अंडर परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज. So we are actually an academic institute wherein we conduct courses like BTech, MTech, MBA, as well as we conduct research courses like PhD. So all the campus is residential campus. Also along with the academic courses, we also conduct some training for a capacity building of industry, as well as we conduct customized training for farmers or group of people there who wishes to get trained in food courses, food processing and technologies. So here we have displayed a number of products based on millet, and this is my team. You can see this is Dharmender, this is Rhythm, this is Anishka. They are all my colleagues. So we are working under the guidance of Dr. Komal Chauhan, as she is leading our CEF as a head of CEF and Dean Research and Outreach. And we are conducting this whole thing under the leadership of our director, Dr. Harinder Singh Oberoi. So we are not selling the products, we are selling technology. We are into technology transfer for this product. We have readily available technologies that can be directly transferred to the industry. So somebody who is interested in new startups, they can come to us, or somebody interested in food processing, processed food product, they can come to us and take our technology. We'll sell this technology with a 360 degree approach to interested people. Thank you so much for this. तो सर अगर आपसे कोई कनेक्ट होना चाहता है तो किस तरीके से होगा? So you can write to us on our mail ID ceffniftem@gmail.com, or you can directly contact me. I'm a Dr. Omkar. You can take a mail ID and you can take a mobile number of mine. Thank you so much. हिंदुस्तान यूनिलीवर प्राइवेट लिमिटेड. देखते हैं यहाँ पर क्या किया है. सर आपने जो जैम डिस्प्ले किए हुए हैं, आप मुझे बताएंगे इसमें कौन कौन से फ्लेवर है और क्या एडिट किया हुआ है इसमें? This is blueberry, this is peach and apricot, this is strawberry and raspberry. So these are the exotic flavors. These are pebbles in there. It's three fruits and one sugar. सर नो एडिट शुगर समझ में आता है, नो एडिट आर्टिफिशियल कलर समझ में आता है, नो एडिट प्रिजर्वेटिव
अगर प्रिजर्वेटिव नहीं चलेंगे तो शेल्फ लाइफ कैसे होगी उसकी? तो सर नॉर्मल जो जैम होते हैं उनसे टेस्ट डिफर है कैसे? यू कैन टेस्ट एंड यू योरसेल्फ कैन रिकॉर्ड। सर को टेस्ट कराइए, पता है सर। So the first flavor that I said is blueberry. सर कैसे टेस्ट लगा? नहीं सर मैंने भी टेस्ट किया है, अच्छा है, मगर एक चीज है जो नॉर्मल जैम होता है उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, बहुत हाई शुगर कंटेंट होता है, मगर इसमें एक मॉडरेट उसमें किया हुआ है, मतलब बैलेंस किया हुआ है शुगर लेवल को। मैम इसके अलावा आप क्या लेकर आए हो? एलमंड्स, रियल मेयोनीज एंड किसान टमाटो केचप, नो सेजवान सॉस। आप एक वही प्रोडक्ट है, कोई न्यू नहीं है। सो ये ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, हम आपको बस बताना चाहते हैं फिलोसफी है कि मेक रेस्टोरेंट लाइक फूड एट होम। तो हम चाहते हैं जब आप नॉर्थ के इंग्रेडिएंट्स को यूज करके कुछ भी घर पे बनाओ तो आपको ऐसा फील आए कि आपने रेस्टोरेंट पे बनाया। मैम इसके बल्क पैकेज भी आते हैं? वी हैव अ डिफरेंट चैनल, यूनिलीवर फूड सॉल्यूशंस इसका नाम है, जिसमें हम हुरेका सेगमेंट को सर्व करते हैं। यू कैन रीच आउट टू अस फॉर टेलिंग मोर अबाउट। थैंक यू। कैचिंग प्लांट, फ्रेश टमाटोज आर कमिंग आफ्टर वॉशिंग सॉर्टिंग, इट विल गेट फ्रेश, देन कॉन्सेंट्रेशन होता है, देन इट विल बी फिल्ड इन असेप्टिकली दिस कंटेनर, 250 लीटर के कंटेनर्स होते हैं उसमें फिल होता है। ये पेस्ट हम यूज़ करते हैं केचप बनाने के लिए, दिस इज केचप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इधर आपने पूरा डिस्प्ले किया हुआ है किस तरीके से टमाटो केचप बनाया जाता है। हाँ आज कम यू